सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो दुल्हन आई बाद में, और पहले दुल्हन ने ढूंढा कि कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। और यहाँ पे मस्तू और ईशु लड़ाई करने लगे कि ईशु बोल रही नहीं, मस्तू ने बोला कि मैं ना अपने पुराने कपड़े लेके जा रही हूँ, और ईशु ने बोला जब तो अभी तक नहीं लेके गई तो अब क्यों लेके जा रही है तू। सो हमारे यहाँ धनतेरस की पहली मिठाई आ गई है, और देखते हैं इसमें क्या लेके आई है मस्तू मैडम। ओ माय गॉड, मस्तू तू मिक्स मिठाई लेके आई। अक्षु को देखो, अक्षु को इसमें एक मिठाई अच्छी लगती है, वो जो है बेसन या आटे की मिठाई है, वो हमें भी समझ नहीं आती बट लेकिन वो होती बहुत टेस्टी है। ओ माय गॉड, रसगुल्ला निकाल रहा। हाँ इसको बंद कर दो, मैंने ले लिया, तुम बंद कर दो इसे। खोलो खोलो, क्या करूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, और आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार स्टार्ट हुआ है कि आज है बहुत ज़्यादा ठंड। आज सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम कितना एकदम ठंडा हो रखा है। तो आज हम मतलब ऑलरेडी पैक्ड हो गए हैं, अभी तो क्या शाम हो गई है। और जैसे कि आज सबको पता होगा आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा हाथ कर रही हूँ मैं, इसलिए कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, और अक्षु ना आपको को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, तो मैंने अक्षु को फिर पैक वूक किया। मैंने कहा जा भाई जा, खेलने के लिए जा उसके साथ। सो अभी हम भी जाएंगे अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला तू भी चली जा चाची लोगों के साथ, चाची और मौसी आए थे, बट मम्मी कह रही तुम लोग ही जाना, मैं लेके आऊँगी तो तुम लोग बोलेंगे ऐसे लेके आ गई वैसे लेके आ गई। तो अभी मैं ईशु का वेट कर रही हूँ, ईशु आएगी तब उसके बाद जाएंगे हम, देखते हैं क्या लेके आते हैं और क्या कहते हैं उसको। हाँ सो आज मस्तू लोग भी आए थे सामान वामान लेने के लिए, और क्या कहते हैं उनका मार्केट ही है यहीं पर, तो वो फिर मतलब उनका रहता ही है कि मतलब सामान तो लेना ही है। तो मैंने बोला था जब आ रखे तो यहाँ पे भी आ जा, फिर बस उन्होंने खाना वाना खाया फिर तो चले गए थे, और पता नहीं घर चले गए शायद। मैंने बोला था उनका यहाँ पे आना सामान दिखाने के लिए, क्या क्या ले रहे हो तुम लोग। और मौसम बिल्कुल ऐसा ठंडा हो रखा है, मतलब लग रहा होगा आपको आसमान को देख के बिल्कुल मतलब पूरा धुंधला हो रखा है, पूरा बिल्कुल भी 1% धूप नहीं थी आज, 1% नहीं। सो गाइस, उसके बाद हम गए कढ़ाई वगैरह देखने। हमने बहुत सारी कढ़ाई देखी, हमने लोटे भी देखे यहाँ पे, हमने सोचा एक लोटा भी ले लेते हैं। पहले हमने कढ़ाई सेलेक्ट करी बट हमें ना कढ़ाई कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो कढ़ाई थी वो सारी फ्लैट में थी, और फ्लैट वाली कढ़ाई में मुझे ऐसा लगता है उसमें ना अच्छे से मसाला नहीं बनता है, वो इंडक्शन के लिए ठीक होती है। तो हमने अंदर भी कढ़ाई देखी बट हमें कोई भी कढ़ाई पसंद नहीं आई, तो फिर हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी घंटियाँ मंदिर के लिए। एक घंटी हमने सेलेक्ट करी मंदिर में, पहले हमने सारी घंटी देखी, हमने सेलेक्ट करके फिर बाद में यहाँ पे ईशु ने घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया था। बोल रही थी देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, जिसमें ही तेज़ आवाज़ आएगी वही घंटी लेंगे हम। उसके बाद हम गए डेकोरेशन का सामान देखने के लिए, हमने बहुत सारा डेकोरेशन का सामान देखा बट हम ज़्यादा ले नहीं पाए क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश वाला हो गया था। और फिर हमने देखी, हमें पहले लेनी थी रंगोली, फिर हमारे यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं कि हम रंगोली बनाएं, तो हमने ये स्टिकर ले लिए रंगोली वाले, इनमें से हमने एक सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने लिया ये शुभ दीपावली के स्टिकर जो डोर के ऊपर लगाते हैं, इनमें से भी हमने एक स्टिकर लिया। और फिर हमने लिए लक्ष्मी जी के पैर, दो जोड़े हमने लक्ष्मी जी के पैर ले लिए, हमने सोचा बाकी शॉपिंग कल करेंगे। तो सो गाइस, अभी हम आ गए हैं घर, और दादी के लिए लेके आए हैं कंगन, साइज तो है ना मान ली गाय छोटू लाए हम। ओह एक मिनट, तो ऐसे हम कंगन लेके आए हैं दादी के लिए, वह हाँ ले गए उद। तो दादी ने जो पहन रखे थे थोड़ा बड़े हो रहे थे, तो ये लेके आए हम, देखते हैं ये कैसे हैं। चिरेदार दादी कि मैं चिरोनी छोटा नहीं हूँ, मैं चिरोनी नहीं।
सो गाइस, एक हाथ में तो मैंने पहना दिए हैं इस वाले हाथ में, बट वो वाला हाथ थोड़ा बड़ा होता है ना, राइट हैंड, तो इसमें अभी ईशु पहना रही है। ईशु ने लोशन लगाया है पहले, तो अभी देखते हैं कौन जीतता है। दादी कह रही सुन्नी यखो, दादी बोल रही इसमें जोर नहीं है, इसमें जोर लगा यार, तू भी तो यार अभी एक मिनट नहीं होनो, यहाँ से थोड़ा हड्डी हड्डी ना, तो यहाँ से जान ही रजर। आज दादी हाथ कटे मैं लगाने लगी वहाँ, आज कर दे चरा नुकू उद्घाटन। सो गाइस, अभी हम लेके आ गए हैं सामान वगैरह भी, और क्या कहते हैं उसको, हमें लेना था मंदिर के लिए, लिए हमने घंटी लिए, हमने पहले देखी हमें तो समझ ही नहीं आई, बट फिर हमने फाइनली एक घंटी चूज करी थी, क्योंकि दिख तो ऐसे मतलब एक ही जैसी लग रही थी, लेकिन जब हाथ में उठाओ तो थोड़ा वेट का फर्क था उसमें। और क्या कहते हैं उसको, बाकी हमने लिया है एक झाड़ू, जो लेना बहुत शुभ माना जाता है। बाकी हमें अभी किचन के लिए एक और मतलब मम्मी ने बोला था कि कढ़ाई लेके आना, हमने कढ़ाई देखी तो हमें ना समझ ही नहीं आई कढ़ाई, हमने बोला मम्मी आ जाएगी कढ़ाई लेने के लिए, तो बस मम्मी अभी जाएगी, इसलिए अभी मम्मी खेत में पानी डाल रही है, मम्मी को बुलाते भी फटाफट से ऊपर कि जाओ भाई कढ़ाई लेके आओ। तो बस मतलब हो गया, एक हम मंदिर के लिए सामान लेके आए, एक हम घर के लिए लेके आए, और एक लेके आए हम किचन के लिए, और बाकी हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेके आए, और थोड़ा बहुत लेके आएंगे हम कल, क्योंकि अंधेरा तो चलो हो ही गया था, बारिश आने लग गई। बताओ पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के दिन बारिश आ रही है, स्ट्रेंज। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी चैन नहीं है, इतना अंधेरा हो गया, और ये देखो यहाँ पे खेत सींचने में लगी, बर्फ है कि बैर। सो अभी हमारे यहाँ आ गए हैं दिवाली के मेहमान, और ये दिवाली के मेहमान दिखेंगे आपको पीछे से, ये मेरी नानी है, इनको देख के तो मैं डरी गई। ये देखो, ये आई है मेरी नानी, और ये देखो आप क्या भी होता है, इतना अंधेरा हो गया मेहमान तब आते हैं। अक्चू नानी नमस्ते करो, कर दिया बाबा, अच्छा फिर से कर दो पीछे नानी नमस्ते कर दो फिर से ना, अब मुड़नी करो। आज तो सच में यार नानी को पहचान ही नहीं पाई मैं, नानी ऑफिस जन करके जान रही, कैसे नानी जाने ऑफिस में जान सब बताओ कैसे लग रही नानी, ऑफिस जा रही ना जैसे बिल्कुल लंबा टूर जा रही है, कोटी वाले हीरो आए नानी, अपने मुख देखने लगे मैं कहना डाउन हूँ कपड़े थोड़ा उबू कर दो बीड़ी तो नहीं पेड़ नहीं छोड़ी। मम्मी कह रही है यहाँ पे कि मेरी बुआरी चूड़ी पहनाएगी, मेरी बुआरी अच्छे से जानती है कैसे कैसे चूड़ी पहनानी है, और ये देखो मम्मी डाल रही है दादी के हाथों में साबुन, नहीं वो लोशन कर लगाए भी सुन, और देखते हैं मम्मी इसमें पास होती है फेल होती है, दादी का विश्वास जीत पाती है नहीं जीत पाती है। ये देखो मम्मी ने लगाए पूरे जोर, अरे जोर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, बताओ एक कड़ा बनाने के लिए यहाँ दो तीन लोग आ गए, दादी कह रही मेरा हाथ सब पकड़ोगी आज एक कड़ा जाना चाहिए के अंदर, इसी कह रही जो एक कड़ा पहना देगा उसको पैसे मिलेंगे। सो गाइस, ईश्वर में कढ़ाई तो नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमें ना बहुत बड़ी लग रही थी कढ़ाई, इसलिए हमने बोला कि चलो मम्मी लेके आएगी, तो उसके बाद फिर मम्मी और मैं गए कढ़ाई लेके आ गए थे, और कढ़ाई आप देखोगे ना सब कह रहे कि पंचायती कढ़ाई क्यों लेके आ गए, मतलब मम्मी ना और बड़ी कढ़ाई लेके आ गई, बोल रही कि जब तुम सब आओगे चारों लोग, मतलब चारों बहनें हस्बैंड वगैरह बच्चे लोग आएंगे तब किस में बनाएंगे खाना, तो ये देखो इतनी बड़ी मम्मी ना इतनी बड़ी कढ़ाई लेके आ गई, बाप रे बाप, मुझे हंसी आ रही है कढ़ाई देख के, मैंने ईशु को दिखाई तो पेट दर्द हो गया, साथ में हम ढक्कन भी लेके आ गए थे इसका, क्योंकि वैसे तो मम्मी थाली रखती है बट थाली ना क्या होता है वो फट जाती है साइड से, और हम एक और चीज लेके आए हैं वो है तांबे का लोटा, इसलिए क्योंकि तांबे के लोटे में, वैसे तांबे का लोटा कह रहे हैं, तांबे का गिलास लेके आए हैं, तांबे के लोटे या गिलास से पानी पीना चाहिए, बट ईशु ने कहा था तांबे का लोटा लेके आएंगे, फिर मैंने बोला जब पानी तो ऐसे जूठा करके पीते हैं ना, तो तू ऐसा कर गिलास लेके आ, तो फिर मम्मी और मैं गए तो तब भी गिलास लेके आए, और ईशु ने ना कप का उसमें पानी भर दिया फुल, सुबह उठा है बस यही पानी पीना है सबसे पहले,
तो बस ये थी आज की हमारी धनतेरस की शॉपिंग, और आप सब ने क्या क्या शॉपिंग करी आप सब भी पक्का बताना। अक्षु मुझे ना चुपके चुपके से देख रहे हैं। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।